हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। वेलकम बैक इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेस सेशन लेट्स कंटिन्यू क्लास 11 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक सीरीज। आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड लेसन नंबर 1। दिस इज द लेसन नंबर 2 पार्ट 2। इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी पर आकर अपलोड कर दिया है। यू कैन चेक ऑल द लेक्चर्स थ्रू द लिंक विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे सारे लेक्चर सबको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 2। पॉइंट नंबर 2.7, दिस इज अबाउट डेटा मॉडल। वॉट इज डेटा मॉडल? डेटाबेस इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। This logical structure of database is known as a model. Data models define how the data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. So, my dear students, first of all, I would like to tell you that in the database management system, the most important thing is that it has the certain rules. At the time of designing, जब ये डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर रहता है पर्टिकुलर, इसको जब डिजाइन करते हैं, जब उसको बनाया जाता है, दिस लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नोन एज अ मॉडल। सो उसमें कुछ सर्टन रूल्स रहते हैं, एज पर दैट ओनली वी कैन क्रिएट द डिजाइन और वी कैन वर्क ऑन इट। डेटा मॉडल्स डिफाइन हाउ द डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड अ सिस्टम। जो भी डेटा पर जो भी आप वर्क करने वाले हो, वट एवर यू आर वर्किंग, इफ यू कैन वर्क इन द एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, अगर आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे हो, एक्सेल में अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, एमएस वर्ड में अगर कुछ आप लेटर वगैरह टाइप कर रहे हो, सो ऑल द थिंग्स आर डिपेंड्स ओनली ऑन द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इट डिस्क्राइब्स द मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग द डेटा। एज आई टोल्ड यू, स्टोर करना यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जगह पर जमा करना, रिट्राइविंग का मतलब होता है उसी इंफॉर्मेशन को सेव करने के बाद वापस से उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। सो देर आर डिफरेंट मॉडल्स लाइक नेटवर्क मॉडल। अभी ये जो डेटाबेस डिजाइन के जो भी मॉडल्स है उसमें देर आर डिफरेंट मॉडल्स है, लाइक नेटवर्क मॉडल, उसके बाद हायरार्कियल मॉडल, रिलेशनल मॉडल। लेट अस सी रिलेशनल मॉडल। सो आज के इस लेसन में, इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रिलेशनल मॉडल। व्हाई? लेट्स टर्न, बिकॉज द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल इन डीबीएमएस इज द रिलेशनल मॉडल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो मोस्ट पॉपुलरली यूज जो मॉडल होता है वो है रिलेशनल मॉडल, बिकॉज दिस इज द प्राइमरी डेटाबेस एंड देन इज यूज्ड वाइडली अराउंड द वर्ल्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वर्क आप करते हो, उसको स्टोरेज करने में और प्रोसेसिंग करने में जो भी मॉडल यूज होता है वो है रिलेशनल मॉडल, जो पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। दिस मॉडल इज सिंपल एंड हैज ऑल द प्रॉपर्टीज एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा विद स्टोरेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, ओके? कैपेबिलिटी इसका भी अर्थ होता है कि उसकी जो क्षमता है। सो दिस मॉडल इज सिंपल एंड हैज ऑल द प्रॉपर्टीज एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा विद स्टोरेज एफिशिएंसी। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करके उसको प्रोसेस करने की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो इस मॉडल में है, रिलेशनल मॉडल में। दैट्स व्हाई टोटली इन द वर्ल्ड, इट मीन्स दैट वाइडली अराउंड द वर्ल्ड एवरी वन इज यूजिंग दिस मॉडल। सो वॉट आर द फीचर्स अबाउट इट? लेट्स लर्न द पॉइंट नंबर 1। A transaction is a unit of work that is performed against the database. For example, example through मैं आपको explain करती हूँ कि if you are creating a record or updating a record or deleting a record from the table, then you are performing a transaction on that table. Transaction का मतलब क्या होता है कि आप जो कुछ भी वहां पर numbers पर काम कर रहे हो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Microsoft Excel। एक्सेल शीट में आप जितने भी नंबर्स होते हैं उनका आप जो भी उस पर आप यानी कि प्लस करिए, माइनस कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवाइडेशन कीजिए, वट एवर यू वॉन्ट, ओके? बट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, दैट पर्टिकुलर टैब जो आप यूज करते हो, उसको डेटा क्रिएट करना, रिकॉर्ड करना, अपडेट करना, उसको सेव करो, डिलीट करो, पर्टिकुलर दैट जो एक यूनिट ऑफ वर्क होता है उसको क्या कहते हैं?
transaction. It is important to control these transactions to ensure the data integrity and to handle database errors. Integrity यानी कि जो भी हम बोलते हैं ना कि उसमें जो भी loyalty है यानी कि जो भी उसकी positive क्षमता है and errors यानी कि जो भी उसमें difficulties है कि ये जब आप काम कर रहे हो if you are making any Excel sheet. For example, you are creating a database about the student's mark sheet. जब teacher student की mark sheet बना रहे हैं Microsoft Excel में, so they are particularly they are creating the information in the Microsoft Office Excel. उसमें क्या करते हैं वो तो पहले student का नाम आता है, उसके बाद particular subject के मार्क्स आ जाते हैं, उसका कैलकुलेशन आ जाता है, उसको मल्टीप्लिकेशन आता है, उसको डिवाइडेशन आता है और फाइनली परसेंटेज निकलते हैं. सो दिस ऑल थिंग्स जो भी होते हैं उसको करने का काम जो होता है वो उस पर्टिकुलर एक आप उसको कहेंगे एक ट्रांजैक्शन ऑफ वर्क, राइट. सो लेट्स लर्न व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स 4 मार्क्स डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन कि अगर 2 मार्क्स के लिए है तो आप डिस्क्रिप्शन विद डिस्क्रिप्शन लिखिए, 4 मार्क्स के लिए तो वेल एंड गुड स्कोर करेंगे. तो यहाँ पर अगर आ गया आपको क्वेश्चन राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स, सो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, दैट ट्रांजेक्शन्स हैव द फॉलोइंग 4 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज यूजुअली रेफर टू बाय द एक्रोनियम ACID. ACID ये जो संक्षिप्त रूप है, एक्रोनियम यानी संक्षिप्त रूप. ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी. So it ensures that all operations within the work unit are completed successfully. Otherwise, the transaction is aborted at the point of failure. So, bachcho, yahan par dekhiye, and all the previous operations are rolled back to their former state. So, what is the meaning of atomicity? ठीक है, अभी ये atomicity का meaning क्या है? ये मैं आपको पहले बताती हूँ. कि इसका मीनिंग है कि जो भी उसकी कैपेसिटी रहती है, राइट, जो भी उसकी कैपेसिटी रहती है, इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं परमाणुता, यानी कि छोटी से छोटी चीज का जहां पर वर्क होता है. इट एंश्योर्स दैट ऑल ऑपरेशंस विद इन द वर्क यूनिट आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज द ट्रांजेक्शन इज अबॉर्टेड एट द पॉइंट ऑफ फेल्योर एंड ऑल द प्रीवियस ऑपरेशंस आर रोल्ड बैक टू द फॉर्मर स्टेट. इट मीन्स व्हाट, कि अगर आपने कोई फाइल अपडेट की है, राइट, इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी कैलकुलेशंस, अगर आपने वो सेव नहीं किया, अगर बीच में ही आपकी फाइल क्लोज हो जाती है फिर डिलीट हो जाती है, सो वो लॉस आपका हो जाता है. सो इसलिए एटॉमिसिटी का जो काम होता है ये है ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 1. देन प्रॉपर्टी नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंसी यानी कि एक भाव में वो काम होता है. इट एंश्योर्स दैट द डेटाबेस प्रॉपरली चेंजेस टेस्ट अपॉन अ सक्सेसफुली कमिटेड ट्रांजेक्शंस. कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन पे आप काम करते हो सो आप वो फ्लो में काम करते हो. आइसोलेशन यानी क्या, कि इट इनेबल्स ट्रांजेक्शन टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एंड ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर, यानी कि हर एक स्लाइड में या फिर हर एक वो एक्सेल का जो वर्कबुक होता है उसको बोलते हैं वर्कबुक, सेपरेटली आप हर एक इस पर सेपरेटली काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट वो काम होता है. ड्यूरेबिलिटी, इट रिलेट्स विद द टाइम ड्यूरेशन. इट मीन्स इट एंश्योर्स दैट द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ अ कमिटेड ट्रांजेक्शन परसिस्ट इन केस ऑफ अ सिस्टम फेल्योर. ड्यूरेबिलिटी यानी कि क्या, वो जो समय में आप काम कर रहे हो, सो इट Ensures, ये पक्का करता है कि उसका जो भी आउटपुट होगा वो अच्छा ही निकलेगा. इट मीन्स व्हाट, ACID ये एक्रोनियम संक्षिप्त रूप में ध्यान में रखिएगा, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शंस. लेट्स लर्न पॉइंट नंबर 2.8. दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ RDBMS. अभी ये RDBMS क्या है, सो लेट्स लर्न. RDBMS stands for Relational Database Management System. अभी देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा, DBMS यानी कि Database Management System, उसके आगे क्या लग गया, Relational. So RDBMS ये ध्यान में रखने के लिए सिंपल है, that is Relational Database Management System. आपको वन लाइनर में आ सकता है, fill in the blanks में आ सकता है, so ये ध्यान में रखिएगा. In RDBMS, a database is considered as a collection of interrelated data. Interrelated means एक दूसरे से जुड़ी हुई जो information होती है, जो collection होता है, उसको क्या कहते हैं, RDBMS database. Okay, कि जिसमें
बहुत सारा डेटा होता है लेकिन विच इज इंटररिलेटेड कोरिलेटेड होता है एक दूसरे से। यानी कि अगर किसी एक स्टूडेंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो एक सब्जेक्ट्स का स्कोर वहां पर लेके फायदा है क्या? नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का स्कोर वहां पर आएगा, उसका फिर सम आ जाएगा, उसका कैलकुलेशन होगा, फिर उस पर फॉर्मूलाज अप्लाई किए जाएंगे एंड देन आफ्टर आपको परसेंटेज निकलेंगे। सो ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज रिलेटेड विद द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो लेट्स लर्न द स्टूडेंट्स बेसिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द बेसिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट, अगर डिस्क्राइब आता है तो आपको एक आई थिंक वन पैराग्राफ आंसर तो लिखना ही पड़ेगा अगर 4 मार्क्स के लिए है तो। सो लेट्स लर्न कि आपको क्या लिखना है वहां पे। सो आप आंसर लिखते समय लिख सकते हो द बेसिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आर पॉइंट नंबर 1 टेबल। द टेबल इज द बेसिक डेटा स्टोरेज यूनिट इन अ रिलेशनल डेटाबेस। Table consists of column and rows. A database consists of one or more tables according to which data is stored in a table. Database designer decides the name of the table and the titles of columns. Let me tell you through the figure number 1, table in database. Look at the students, this is the table. I'm telling you that ye jo particular hai, ye hai column, right? Jisme 4 angles rehte hai, angle number 1, 2, 3 and 4। सो ये कॉलम हो गया, राइट लेकिन ये रो कब बन जाता है? जब इसमें ये लाइन आ जाती है, जब ये लाइन डिवाइड करती है पर्टिकुलर एक हम इसको टैब कहेंगे या फिर एक पर्टिकुलर टेबल यहाँ पर ये आ जाता है, की आ जाता है, तो इसको कहते हैं रो। रो यानी कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और कॉलम यानी कि क्या, ये पूरा कॉलम रहता है जो रो से डिवाइड होता है। सो दिस इज द टेबल स्टूडेंट्स। व्हाट वी आर लर्नड दैट इज कि ये जो टेबल रहता है रिलेशनल डेटाबेस में, तो इसमें कॉलम्स रहते हैं, रोज रहते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन रहती है। और यहाँ पर देखिए डिजाइनर डिसाइड्स द नेम ऑफ द टेबल एंड टाइटल्स ऑफ कॉलम्स। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे हो सो यू कैन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन यूज की है, पोजिशन टाइटल, यहाँ पे जो पोजिशन पे काम कर रहे लोग हैं उनके टाइटल्स दिए, उसके बाद उनके एजुकेशन रिक्वायरमेंट दी है, फंक्शनल एरियाज उनके क्या रहेंगे, उनको मैक्स पे कितना रहेगा, मिनिमम पे कितना रहेगा। सो दिस इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइबिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। सो इसे को क्या कहेंगे हम, टेबल। टेबल तो आपको समझ में आ गया, टेबल यानी कि क्या, जो रोज और कॉलम से मिलकर बनता है, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शो करता है। लेट्स लर्न व्हाट इज फील्ड। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज स्टोर्ड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स कॉल्ड एज फील्ड्स और कॉलम्स। कॉलम्स आर शोन वर्टिकली इन अ टेबल। यहाँ पर देखिए कॉलम्स कैसे शो हो रहे हैं, वर्टिकली शो हो रहे हैं, ठीक है। ईच फील्ड और कॉलम हैज एन इंडिविजुअल नेम। हर एक फील्ड और कॉलम का एक अलग अलग इंडिविजुअल नेम है, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट नाम है। टू कॉलम्स कैन नॉट हैव द सेम नेम, जो हमने अभी फिगर में देखा, दैट इज द फर्स्ट रो रिप्रेजेंट द डिफरेंट फील्ड नेम्स और टाइटल्स ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर ये अलग अलग जो फिगर्स है वो शो करता है। रिकॉर्ड, व्हाट इज रिकॉर्ड स्टूडेंट्स। ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल मेक्स अ रो। ईच रो कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल टॉपिक्स। अ रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ फील्ड्स एंड कंटेन्स ऑल द डेटा अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन, कंपनी और आइटम इन अ डेटाबेस। रिकॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्यूपल। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड यानी कि क्या, ये सारी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो स्टोर की गई है इसको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड्स, जो रो एंड कॉलम्स में डिवाइड की है और जिसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिजाइन किया है इसको रिकॉर्ड कहेंगे, जो पूरी इंफॉर्मेशन मिलकर बनती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज की अ कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन और मोर रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड अ की ऑफ द टेबल। अभी इसको क्या कहेंगे हम, key of the table, this is the key of the table, right? This is the column. Row यानी कि क्या, ये जो line divide करती है इस column को, उसे कहेंगे row and this is the key. Let's learn the types of keys. First है primary key और दूसरा है foreign key. Primary key यानी क्या, the group of one or more columns used to uniquely identify each row of a relation is called its primary key. यहाँ पर देखिए recruiter आया, उसके बाद उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री चाहिए, फंक्शनल एरिया ह्यूमन रिसोर्सेस है, मैक्स पे 1,10,000, मीन पे 85,000। सो ये क्या हो गए बच्चों, दीज आर दी प्राइमरी कीज। फॉरेन की यानी क्या, इट इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। अभी देखिए
ये जो पोजीशन टाइटल है ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशंस। एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या शो कर रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल एरिया शोइंग व्हाट आर द फंक्शनल एरियाज, मैक्स पे डिफरेंट है, मीन पे डिफरेंट। सो दीज थिंग्स विच वी कॉल दीज आर द फॉरेन केस। अभी देखेंगे रिलेशनशिप इन डेटाबेस। रिलेशनशिप्स लिंक डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल टेबल टू इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ द टेबल। यानी कि इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आप तैयार कर रहे हो वो कितनी यूजफुल है, उसका यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता बढ़ाती है। रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस इज अ सिचुएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स व्हेन वन टेबल हैज अ फॉरेन की दैट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। एग्जाम्पल थ्रू मैं बताती हूँ तो आपको समझ में आने के लिए आसान हो जाएगा। अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉयज हैज अ प्राइमरी की कॉल्ड एम्प्लॉय आई डी, अनदर टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय आई डीज। ओके, इट हैज फॉरेन की विच रेफरेंसेस एम्प्लॉय आई डी इन ऑर्डर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, किसी भी अगर आप कंपनी में जाते हो, बड़ी इंडस्ट्री में जाते हो, तो वहां पर अलग अलग यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको पहचाने कैसे जाते हैं, उनके पास होता है उनका एम्प्लॉय आई डी। उस एम्प्लॉय आई डी पर होता है एक डिफरेंट नंबर, सो दैट नंबर वुड बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी सिंगल एम्प्लॉय लाइक। सो वो जो अलग अलग नंबर रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम फॉरेन कीज कहते हैं। So there are three types of relationships in relational database design. They are, ये भी exam के point of view से बहुत ही important है, what are the types of relationships in relational database design? ये बहुत ही simple है, मैं आपको बताती हूँ, आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। The number one is one to one, number two one to many or many to one, and third is many to many. So चलिए मैं explain करती हूँ। One to one यानी क्या? In a one to one relationship, one record in a table is associated with one and only one record in another table. ध्यान में रखने के लिए भी सिंपल है, सिर्फ किसी एक चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इन अ कंपनी डेटाबेस ईच एम्प्लॉय हैज ओनली वन पर्सन आई डी। पर्सन आई डी सिर्फ एक ही रहता है हर एक पर्सन का, एंड ईच पासपोर्ट आई डी इज असाइन टू ओनली वन पर्सन। सो इसका मतलब क्या, देखिए एक कंपनी का डेटाबेस प्रिपेयर कर रहे हैं हम, वहां पर आ जाएगा वो पर्सन का आई डी, उसका नाम, उसका ईमेल आई डी, लेकिन उसी के नीचे एक अलग फंक्शन रहेगा पासपोर्ट डिटेल्स पे। जब आप क्लिक करते हो तो पासपोर्ट पे आने के बाद ये डिफरेंट डिटेल्स वहां पर, यानी कि पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, इशू डेट, issued by which country, ये सारे details वहाँ पर दिख जाते हैं। So इसी को क्या, लेकिन passport के details तो इसी person के है, same person के, इसीलिए इसको कहते हैं one to one. A one to one relationship looks like below in the relationship graph. ध्यान में रखने के लिए बहुत ही आसान है, किसी एक person का जो information दूसरे field में रहता है save किया हुआ कि या फिर दूसरे tab में, so उसी को कहते हैं one to one relationship. ओके, अभी देखते हैं वन टू मेनी या फिर इसको मेनी टू वन भी, यानी एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन या फिर ज्यादा से एक। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप टाइप। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप अ रो इन टेबल सिटी कैन हैव मेनी मैचिंग रोज इन टेबल कस्टमर, बट अ रो इन टेबल कस्टमर्स कैन हैव ओनली वन मैचिंग रो इन द टेबल सिटी। यहाँ पर देखिए सिटी, पर्टिकुलर सिटी, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक मुंबई सिटी, ठीक है, तो वो मुंबई सिटी का एक सिटी आई डी एक ही होगा, सिटी का नेम भी एक ही होगा, राइट? So that would be one information. But in that particular city, we have different kinds of customers. Like customer अलग अलग प्रकार के हैं, हर एक customer का अलग customer ID है, उसका first नाम अलग है, last नाम अलग है, उसका city ID अलग है, but they are belong to only one city, right? जो particular एक city का जो data है, so इसी को कहते हैं जो one information है, this is belongs to the many details. Like यहाँ पर देखिए वन टू मेनी रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी व्यूड एज मेनी टू वन, यानी कि बहुत सारे कस्टमर्स कहाँ से जुड़े हुए हैं, मुंबई सिटी से, या फिर मुंबई सिटी में इतने सारे कस्टमर्स हैं। सो वन टू मेनी या फिर मेनी टू वन, आप कुछ भी इसे कह सकते हो और एज पर दैट पढ़ सकते हो। सो इन द अबव एग्जाम्पल द कस्टमर टेबल इज द मेनी, यहाँ पर देखिए ये रहेगा मेनी, या फिर देज आर द देर इज अ डाटा ऑफ टू मेनी कस्टमर्स, तो वो मेनी में आ जाएगा। मेनी का मीनिंग क्या है, बहुत सारी, ठीक है। एंड द सिटी टेबल इज द वन, और सिटी टेबल क्या आएगा, ओनली वन थिंग इज शोइंग, ईच कस्टमर कैन ओनली बी असाइन वन सिटी कैन बी असाइन टू मेनी कस्टमर्स, एज सिंपल एज इट। अभी देखते हैं मेनी टू मेनी क्या है। अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अकर्स व्हेन मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन टेबल आर एसोसिएटेड विद मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। अभी देखिए मेनी यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, रिलेटेड टू मेनी यानी कि यहाँ पर देखिए देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स,
and these products are related with the so many kinds of suppliers. So what it would be, multiple records in table product are linked to multiple records in table suppliers. जब आप product table पे click करते हो, product ID आएगा, description में जाओगे आप, price भी आएगा, but जब suppliers पे आप जाते हो, तो एक ही product supply करने वाले, वहाँ पर ढेर सारे details आपको मिल जाएंगे, उनके suppliers के supplier ID अलग होंगे, descriptions उनके अलग रहेंगे, उनके addresses अलग रहेंगे, उनके contact details अलग रहेंगे, like that product में भी product के जो IDs है, हर एक product का अलग-अलग ID रहेगा. So this is the information which is including so many things and similar like that supplier also. So ये many to many related data हो गया. So I hope आपके समझ में आ गया what we learned. Exam में आ सकता है ये 4 या फिर 6 marks के लिए. What are the types of relationship in relational database design? Describe it. अगर आपको लिखना है, so you have to know there are 3 types of relationships in relational database design. 1-to-1, 1-to-many or many-to-1. Yeah, and the third one is many-to-many. Okay. अभी देखते हैं बच्चों कि what is the point number 2.9. This is about introduction to SQL. SQL तो सबने सुना है, but what is SQL? SQL is a structured query language. एक language होता है. SQL structured query language इसको बोलते हैं, which is a computer language होता है. And which we use for storing, manipulating and retrieving data stored in a relational database. जो relational database में data store होता है, उस पर काम करने का काम structured query language SQL से किया जाता है. And SQL is the standard language for relational database management system. अगर one liner question आता है, what is the standard language for relational database management system? So it would be SQL only, structured query language. So all relational database management systems like MySQL, Base, Oracle, CBAS, Informatica, Postgres and SQL Server use SQL as standard database language. अभी SQL का थोड़ा हम डिटेल में इनफॉरमेशन लेंगे. That is, SQL become a standard of the American National Standard Institute (NSI) in 1986. अमेरिका का जो नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसका ये स्टैंडर्ड कब बना है? 1986 में. एंड वन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इट मींस ISO का ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज कब बना? इन 1987 में. अगर क्वेश्चन आ जाता है, what are the uses of SQL? So these are the uses of SQL. Number one, create new database. नया database आप create तैयार कर सकते हो. Number two, create new tables in database. नए tables आप database में create कर सकते हो. Insert records in a database. यहाँ पर नई information insert कर सकते हो. Retrieve data from a database. उसको retrieve save करने के बाद open करके वापस से changes कर सकते हो. Update कर सकते हो. Delete कर सकते हो. Execute query against a database. Particular अगर कुछ query execute करना है, यानी क्या कि एक किसी जगह पर उसको स्टोर करना. क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन अ डेटाबेस एंड क्रिएट व्यूज इन अ डेटाबेस. सो दिस आर सम पॉइंट्स, ये आप ध्यान में रखिएगा, लर्न कीजिएगा. लेट्स लर्न पॉइंट नंबर 2.10, कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स. सो देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स. पहला आता है DDL, इट मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड. ये कमांड कब यूज किया जाता है? इट यूज्ड टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल्स और स्कीमा. यानी टेबल में जो डेटाबेस है उसको मॉडिफाई करना, यानी चेंजेस करना और यूज करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये कमांड यूज किया जाता है. व्हेन यू एग्जीक्यूट अ डीडीएल स्टेटमेंट इट टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली. यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड में क्या जाता है, ये कमांड्स यानी कि ये टैब्स आप किस लिए यूज कर सकते हो. क्रिएट डेटाबेस में आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो. क्रिएट टेबल का यूज करके आप नया टेबल बना सकते हो. अल्टर टेबल का यूज करके मॉडिफाई यानी कि उसमें चेंजेस कर सकते हो. ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस से आप वो पर्टिकुलर टेबल या फिर डेटाबेस डिलीट कर सकते हो. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी DML कमांड का इस्तेमाल कब होता है? सो दिस स्टेटमेंट और कमांड आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटा विद इन टेबल, यानी टेबल के अंदर की जो इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके लिए. सो इसके लिए फर्स्ट कमांड क्या है? सिलेक्ट, यानी कि सिलेक्ट का बटन यूज करके आप वो पूरा इंफॉर्मेशन या फिर वो टेबल पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो. एंड इंसर्ट इन टू, यानी कि इंसर्ट करना, यानी नई इन्फॉर्मेशन उस टेबल में एड अप कर सकते हो. उसके बाद है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी DCL कमांड का उपयोग आप कर सकते हो. इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इशू. ध्यान में रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आता है वन लाइनर में, विच इज द कमांड यूज्ड टू सिक्योरिटी इश्यूज, सो या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच SQL कमांड यूज टू सिक्योरिटी इश्यू, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL कमांड. सो इट इज ऑल्सो डील्स विद द राइट्स एंड परमिशंस ऑफ द डेटाबेस एक्सेस. एक्सेस करना, यानी किसी इन्फॉर्मेशन को आप जाकर जब चेक कर सकते हो उसको बोलते हैं एक्सेस. तो यहाँ पर दो कमांड आते हैं, ग्रांट यानी कि एक तो आप टू प्रोवाइड एक्सेस और प्रिविलेजेस ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस दे रहे हो, क्योंकि जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो, राइट, आपका
कुछ तो वहां पर आपने पासवर्ड ऐड किया है, जब तक आप वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल का पासवर्ड किसी को बताते नहीं तब तक वो पर्सन उसमें जाकर चेंजेस नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं ग्रैंड। एंड रिवोक यानी क्या, टू रिमूव एक्सेस राइट्स और प्रिविलेजेस इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कि जो भी आपने वहां पर पासवर्ड डाला है तो आप उसको अनलॉक करके भी फाइल वो रिवोक कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। So students, I hope you got what I taught you, and this is the summary about the point part number one, part number two, which we learnt in this lesson. That is basic concept of database. हमने पढ़ा. We get to know difference between data information का difference हमने पढ़ा part one में. Database management system is used to create, manipulate and retrieve data. बना सकते हो, changes कर सकते हो. Database management system is used in various fields like railway, libraries, schools, colleges, credit transactions and banking. There are different kinds of sectors जहाँ पर ये use होता है. Benefits of database management software are data sharing, data integrity, security, consistency and recovery. RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ा. उसके बाद रिलेशन इन डेटाबेस आर वन टू मेनी और मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी, ये थ्री टाइप्स हमने लर्न किए. एंड ऑल्सो वी लर्न अबाउट कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड्स, DDL, DML एंड DCL. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई थॉट कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं आई होप कि आपको समझ में आए हैं. एंड लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट. इफ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज पिंग मी, सो आई विल रिप्लाई यू बैक एज पर दैट. सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. Also, take care of yourself, family, friends, follow all the rules, guidelines issued by WHO. इस COVID-19 की pandemic situation में घर बैठे ही आपको study करना है. So, this is the better chance to get the study. आप एक जगह पर बैठकर सारी information learn कर सकते हो. So, you can also learn for your class 11 English textbook series also. We already uploaded the जो प्लेलिस्ट है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है. आई विल गिव द लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.